हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस। यहाँ पर एक मॉक टेस्ट जो आपकी आपके आपको पता है सुबह के 11 बजे आपका आता है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो इन सभी जितने भी वीडियोज आते हैं ना उन सभी के आपको पीडीएफ जो है वो अभी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाए या फिर बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, आधुनिक मनुष्य का मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? जावा मानव है, क्रो मैग्नॉन मानव है, नियंड्रथल मानव है या फिर पैंकिंग मानव है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जितने भी साथी क्रो मैग्नॉन मोनो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां पर कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ, ठीक है। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ, अफ्रीका के नाइल नदी के निकट या कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट या चीन में या इन सभी क्षेत्रों में। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी अफ्रीका के नाइल नदी के निकट ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा, ठीक है। जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उन सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है, पूर्व पाषाण काल का जो संदर्भ है वो किसके लिए आता है वो आपको बताना है। तो भैया किसके लिए आता है, वो आता है प्रागैतिहासिक मानव के लिए, अथवा मानव के लिए, आधुनिक मानव के लिए या आदिवासी मानव के लिए। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा जितने भी जाते दे रहे हैं आधुनिक मानव प्रागैतिहासिक मानव ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं या मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या एशिया। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म जो है वो सबसे अधिक मिलते हैं। कहाँ पे, किस महाद्वीप पे, तो वो अफ्रीका महाद्वीप पे मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवता था, पैंकिंग मानव, जावा कपी मानव या नियंडरथल या फिर क्रो मैग्नॉन। जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, जितने भी साथी जा रहे हैं सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है जावा मानव, ठीक है, जावा कपी मानव जो है वो। अगला हो जाएगा सही नंबर क्वेश्चन हमारा कि सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवता था, सबसे पहला जो प्रागैतिहासिक मानव जो था वो संभवता था होमो हैबिलिस या रामापैथिकस या ऑस्ट्रेलोपैथिकस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा छह नंबर का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होमो हैबिलिस हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। किसके साइड पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला, जावा कपी मानो या फिर आस्ट्रे या फिर पैकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सात नंबर का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अगला हो जाएगा हमारा प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दे को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया, कौन से मानव ने किया था, नियंडरथल, जावा कभी, पैकिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियंडरथल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साइड चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, तो कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, 1,00,000, 10,000, 50,000 या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वर्तमान मानव जो होमो सेपियंस का इतिहास जो है कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, 1,00,000, 10,000, 50,000 या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है, कितने वर्ष, 10,000 वर्ष, ओके, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि प्रागैतिहासिक मानव की
जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की थी? क्रोमैग्नॉन ने, जावा कपी ने, पैकिंग ने या नियंडरथल ने? बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्रोमैग्नॉन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है रामापैथिकस को, हेमोहैबिलिस को या होमो रिकेट्स को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमो इरेक्टस। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था, कुत्ता था, घोड़ा था, सुअर था या गाय था? ठीक है, सबसे पहला जो था वो कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता जो है वो शिकार करने में सहायता करता था मनुष्य का। अगला हो जाएगा हमारा कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्य के जीन बनाते हैं आबादी का, जीन पूल बनाते हैं, जीन रूप अर्थात जीनोटाइप या फिर जीन प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जीनोपोल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनोपोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? साउथ विकास, अपशारी उत्कास, समांतर उत्कास या फिर अपशारी उत्कास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, समांतर उत्कास। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नई जीव जाति के उत्कासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब युग्मजस के परापर के विभिन्न गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाएगी, किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इनका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा या युग्मज के समान सपुत्रों के बीच पारगम्य के समय खंडों की अदला बदली की जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इनका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आनुवांशिक अपवाहन या विचलन क्या है? ठीक है, तो जीन के अंतः प्रजनन से कोई समस्या नहीं होती है, जीन के बारंबारता के क्रमोत परिवर्तन होता है या बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं या फिर जीन्स की बारंबारता के अनियत परिवर्तन होता है। तो जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव जो है वो उत्पन्न करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निगूंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? ये स्तनधारी होता है या बोनी फिश है या उभयचर या फिर सार्क है? तो स्तनधारी जो जीव है ये एकदम विलोपन की कगार पर है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का भौगोलिक पृथकीकरण हो जाता है या फिर आपका जननिक अलगाव हो जाता है या किसी आबादी का विलोप हो जाता है या कह लीजिए आप आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक ही जाति के विभिन्न आबादियों की बात करते हैं तो यहाँ पर जननिक अलगाव जो है वो हो जाता है। अगला हो जाएगा 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर, गोरिल्ला, गिब्बन या इनमें से कोई नहीं? तो लंगूर जो है एक कपी नहीं है, गोरिल्ला गिब्बन जो है एक कपी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहता है कि किसी भी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब यह प्रबल होता है, सुप्त होता है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है या ना तो प्रबल होता है ना ही सुप्त होता है। तो जो किसी जीव है, कोई जीव जाति है, इसकी आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। कौन सा चयन? इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आई होप वीडियो को पसंद आएगी। तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। 20 क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है बट आगे आपके 20 से 30 40 प्रश्न 50 प्रश्न ऐसे मॉक टेस्ट के रूप में कराए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।